वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो स्पेशली छोटे बच्चों के साथ हज या उम्र करने के लिए आ रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो में एंड तक बने रहना बहुत अहम इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करने वाली हूँ स्पेशली बच्चों के हवाले से तो जैसा कि आप सब जानते हैं छोटे बच्चों के साथ भीड़ में हज या उमरा करना एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है तो आज उसी का मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं छोटे बच्चे आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसे हुआ होगा ना आपके छोटे छोटे बच्चे एकदम से गुम हो जाते हैं मिलते नहीं हैं आप देखिए पुलिस किस तरह से वो बच्चे को लेके खड़ा है उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहा है अब पुलिस को क्या पता वो किसका बच्चा है? है ना वो जिस जिस पेरेंट्स का बच्चा गुम हो जाएगा उस पेरेंट्स की कितनी बुरी हालत होती है वो मैंने देखा है मेरे आँखों से हरम शरीफ में लेकिन अब जो सर्विस सऊदी गवर्नमेंट ने, ने स्टार्ट की है ना तो उसकी वजह से आपके ना बच्चे गुम होंगे ना कोई परेशानी होगी ना पुलिस वालों को भी परेशानी होगी तो फ्रेंड्स आज की खबर ये है कि सऊदी हुकूमत ने ना मक्का और मदीना दोनों जगहों में दोनों मस्जिदों में एक ऐसी नई सर्विस शुरुआत की है ना जिससे आपके बच्चे बिल्कुल गुम होने का डर निकल जाएगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मक्का में जैसे ही आप गेट नंबर सेवेंटी नाइन किंग फ़ाह गेट याद रखिए फ्रेंड्स गेट नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है जैसे ही आप गेट नंबर सेवेंटी नाइन से अंदर दाखिल होंगे हरम शरीफ के मस्जिद में तो राइट साइड में ना एक मॉनिटर के जैसी मशीन नज़र आएगी आपको ग्रीन कलर की तो उस मशीन में ना जैसे ही आप अंदर आएंगे तो उस मशीन में आपको बच्चे का नाम पेरेंट्स के डिटेल यानी फादर का नाम मदर का नाम किसी का भी नाम लिख सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर माँ या बाप के पास किसी के पास भी होगा वो नंबर एंटर करना है जैसे ही आप मोबाइल नंबर सारा कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे तो आपको एक बैंड प्रिंट होके आएगा ग्रीन कलर का एक बैंड आएगा वो बैंड लेके अपने बच्चों के हाथों में बांधना है उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आपका बच्चा कहीं गुम भी हो गया तो पुलिस जो है उस बैंड के ऊपर लिखा हुआ नंबर पे कॉल करेगी और आपको बताएगी कि आपका बच्चा कहाँ है तो है ना फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त सर्विस सऊदी गवर्नमेंट के तरफ से तो फ्रेंड्स इससे ना बच्चे गुम होने का डर पूरा निकल जाएगा क्योंकि वहाँ की पुलिस खिदमत करने के लिए ही होती है हम लोगों की तो जैसे ही वो बच्चा किसी का भी हो तो डायरेक्टली वो कॉल करेंगे उसी नंबर पर जो बैंड पे प्रिंट होगा और इस सर्विस का फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स कि पुलिस के साथ साथ अगर कोई देखिए हराम शरीफ में अच्छे इंसान बहुत आते हैं ना कोई बच्चा रो रहा है गुम हो गया है तो उस बच्चे के बैंड पे नंबर दे के वो दूसरे जो हाजी आए होते हैं वो भी आप लोगों को कॉल करके कॉन्टैक्ट करेंगे ताकि आपका बच्चा आसानी से आपको मिल जाए तो फ्रेंड्स इस क्लिप में देखिए फ्रेंड्स बाप कितने दर्द से कितने परेशान हाल में दौड़ता हुआ आ रहा है जैसे पुलिस ने बताया कि उसका बच्चा है देखिए फ्रेंड्स मैं रियली वो कैफियत समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स को अपना बच्चा मिल जाने पर गुमा हुआ बच्चा मिल जाने पर क्या खुशी होती है आप देख सकते हैं बाप के चेहरे पे कितना शुक्र अदा कर रहा है और ये जो पुलिस यहाँ पे खिदमत के लिए हैं अल्लाह अल्ला इनको इतना अजर देगा देखिए एक बाप को अपने बच्चे से मिलाए हैं फ्रेंड्स इसी इसी मसले के बारे में मैं आपकी आपको बताने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए फ्रेंड्स ये मदीना का है देखिए चाइल्ड लॉस्ट इन मदीना देखिए पुलिस किस तरह से बेचारा बच्चे का हाथ पकड़ के शायद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अब किसको पता चलेगा लेकिन वो बैंड सर्विस से देखिए अगर बैंड अगर बच्चा पहनता है तो पुलिस डायरेक्टली पेरेंट्स को कॉल करेगी तो फ्रेंड्स इस सर्विस का फ़ायदा ज़रूर उठाएं अपने बच्चों के लिए ये बैंड ज़रूर बांधे देखिए बच्चा किस तरह से रो रहा है ये अक्सर देखने को मिलता है फ्रेंड्स मक्का और मदीना दोनों मस्जिदों में ये हाल है तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने ना ये भी स्टार्ट की है फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हो मेरी आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी मुझे ये इतनी जरूरी लगी आप लोगों के साथ शेयर करना क्योंकि जब भी मैं उमरा पे जाती थी तो बहुत सारे बच्चे मैं देखती थी कि पुलिस के साथ खड़े हैं रो रहे हैं अब इतनी लाखों के तादाद में हाजी आते हैं उमरा करने के लिए तो किसके पेरेंट्स कैसे पता चलेगा है ना अगर छोटी जगह हो तो चलो इंसान ढूंढ भी लेगा लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ होती है और सारे दुनिया से लोग आते हैं तो फ्रेंड्स इस सर्विस के बारे में मुझे आप लोगों के साथ दिल से शेयर करना था और उम्मीद करती हूँ मैं मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना इनशाला मेरे चैनल पे आप बने रहना मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके इनशाला फ्यूचर में आऊँगी अब हज आने वाला है फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इनशाला चलो वीडियो ये एंड करती हूँ फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़ टेक केयर